अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ रिजवान फ्रॉम कोड विद जीजू। आज का ट्यूटोरियल बाकी ट्यूटोरियल से थोड़ा सा हटके है। आज हम सीखेंगे कि कैसे बिल्ट इन डिपेंडेंसी हम कैसे ऐड करते हैं कि हम गूगल सर्च ना करें, डायरेक्टली हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हुए डिपेंडेंसी को ऐड कर लें। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एम्प्टी, और इसको कोई भी नाम रख देते हैं क्योंकि हमने जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें डिपेंडेंसी ऐड करना सीखनी है कि कैसे मैं एंड्रॉयड स्टूडियो से डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जैसे ही ग्रेडल बिल्ड हो जाता है तो हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमारा ग्रेडल बिल्डिंग स्टेट में, होप जल्दी बिल्ड हो जाएगा। तो देखते हैं ग्रेडल बिल्ड होने के बाद। लीजिए, ग्रेडल हमारा बिल्ड हो गया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो मेथड है वो तो हमारे पास है कि ग्रेडल फाइल में जाएं और इधर डिपेंडेंसीज में आके आल प्लस एंटर दोनों को इकट्ठे प्रेस करें और ऐड लाइब्रेरी डिपेंडेंसी। इधर से आप अपनी मर्जी की डिपेंडेंसी जो ऐड करना चाह रहे हैं उसको ऐड कर सकते हैं। लेट मैं कहता हूँ कि मैंने ऐड करनी है डिज़ाइन की डिपेंडेंसी, तो डिज़ाइन पे क्लिक किया, डिज़ाइन की डिपेंडेंसी ऐड हो गई है हमारे पास। अगर इस तरह कोई एरर आता है तो आप दोबारा आल्ट एंटर प्रेस करें और इसको सप्रेस कर दें। ठीक है, ये एरर बेसिकली नहीं होता, ये जस्ट हमें एक वार्निंग शो कर रहा होता है। अगर इसको यूज़ भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, तो इधर सिंक नाउ कर दें और हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता चलूँ कि आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाना है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आ जाएंगे तो इस साइड पे आपको एक मेन्यू शो होगा डिपेंडेंसीज का, डिपेंडेंसीज में आ जाना है और इधर आपने ऑल डिपेंडेंसीज के नीचे प्लस के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, और इधर आपने जो भी ऐड करना है, मैं कह देता हूँ कि नेविगेशन की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ कि इस तरह डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, इंटरनेट के बगैर आपकी ये डिपेंडेंसी नहीं होगी ऐड। तो कहता हूँ कार्ड व्यू। ठीक है, तो ये आपके पास डिपेंडेंसी शो होगी, इस पर क्लिक करें और ओके का बटन प्रेस कर दें और ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी ऐड होगी। इसको ओके करें और इधर हमारे पास ये लीजिए कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो इधर से वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। अगर सिंक नहीं आता तो इधर सिंक नाउ के बटन को क्लिक करना है और आपने क्लिक आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने दो मेथड सीख लिए कि कैसे बिल्ट इन डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।